जम्मू बेस कैंप से आज सुबह अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार के शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। यात्रियों के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में 40,000 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं भोले के नारों के बीच बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें किसी खतरे का डर नहीं है। यात्रियों ने कहा कि उन्हें भगवान शिव और सेना पर पूरा भरोसा है। यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी हुई है और हर आने जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि इस साल की अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त को समाप्त होगी। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद अपने 2 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू किया था और सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया था। बम्बोले के नारों के बीच अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ है। यात्रा के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल के सलाहकार ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। वो इतना ज्यादा है, आप शायद हमारे चेहरों पे देख सकते हैं वो खुशी, वो एक एक्साइटमेंट हम बयान नहीं कर सकते। जो दर्शन उसके बाद के हमें खुशी मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती है। क्या कहना चाहोगे आप दर्शन के लिए? यार किसी प्रकार का मन में भय, हमारे मन में इतना सा भी वैर या मन में कुछ भी खटास या कुछ भी डर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना है, ना था, ना कभी रहेगा। जिसकी रक्षा भोले करते हैं उसका कोई बाल नहीं पका कर सकता और भोले की फौज करेगी फौज। और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे बड़ी याद है, हम लोग टीचर्स हैं, मैं 13 तक ये फर्स्ट टाइम आई हैं। और आप बोलिए क्या बड़ी एक्साइटमेंट है जाने के लिए और अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई इस किस्म का किसी भी किस्म का डर नहीं लग रहा कि हाँ हमें किस कुछ हो जाएगा या नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ मन में है कि हमें बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं।